क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अर्पिता के फ्लैट पर देर रात ईडी का छापा, अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, एंट्री रजिस्टर भी जब्त। जबलपुर में निजी अस्पताल में आग, 8 की मौत, एंट्रेंस पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता था। मां के शव को बाइक पर 80 किलोमीटर ले गए बेटे, शहडोल मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला शव वाहन, बेटे बोले लापरवाही से गई जान। महंगाई पर संसद में वित्त मंत्री का जवाब, सीतारमण बोली यूपीए में 9 बार महंगाई डबल डिजिट में रही, हम 7% से नीचे लाएंगे। विवादित बयान पर कोश्यारी ने माफी मांगी, महाराष्ट्र के राज्यपाल बोले कुछ समुदायों की तारीफ में शायद मुझसे गलती हो गई। कावड़ियों पर विशेष समुदाय के लोगों ने किया पथराव, बदायूं में डीजे बजाने पर हुआ था विवाद, 15 कावड़ी घायल, थाने का घेराव। रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से की मुलाकात, कहा सपा कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमे। अंबेडकर नगर जिला जेल में बंदी की मौत, पत्नी के आरोप, 3 दिन पहले जेल में हुई थी मारपीट, उन्हीं चोटों की वजह से गई जान। सांपों से डरते नहीं खेलते हैं गाजीपुर के धीरज, बेहद आसानी से जहरीले सांपों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, धीरज बाबा के नाम से है प्रसिद्ध। बुलंदशहर की बेटियों के लिए एनआरआई ने छोड़ दिया अमेरिका, विदेश में 35 साल नौकरी कर जुटाए, 2.5 करोड़, गांव आकर खेत में खोला स्कूल। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ड्रोन स्ट्राइक में ढेर, 12 महीने से काबुल में छुपा था, बाइडेन बोले हमने ढूंढ कर मारा, तालिबान भड़का। फ्रूट क्राइसिस से जूझ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर, यूक्रेन से 26,000 टन मक्का लेकर शिपमेंट रवाना, रूस इस हमले का नहीं करेगा। राजपक्षे के बचाव में श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रम सिंह बोले पूर्व राष्ट्रपति के लौटने का ये वक्त सही नहीं, इससे देश में आग लग सकती है। परमाणु तबाही से सिर्फ एक कदम दूर दुनिया, यूएन महासचिव बोले प्रलयकारी हथियारों पर अरबों रुपए लुटा रहे देश। हाई स्पीड से घूम रही पृथ्वी ने 24 घंटे पहले ही पूरा कर लिया अपना चक्कर, कंप्यूटर की दुनिया में मचा हड़कंप। सोमवारी व्रत ने दिलाया कॉमनवेल्थ मेडल, कोच सरकारी सपोर्ट के बिना भारत की लॉन बॉल्स टीम ने रचा इतिहास, 32 साल में पहला मेडल। रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हारा भारत, डेवोन थॉमस ने खेली 31 रन की धमाकेदार पारी, मैकॉय पहली बार झटके। पावेल ने हेलीकॉप्टर शॉट मारकर दिखानी चाहिए हीरोगिरी, अर्शदीप ने इसको नहीं अच्छा कहा। सीडब्ल्यूजी 2022 जूडो में सुशील देवी ने जीता सिल्वर, विजय यादव को कास्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। सूर्य कुमार यादव को ओपनर बनाने पर भुवनेश्वर ने दी ये सफाई, पेसर बोले ये अचानक लिया गया फैसला नहीं। ईशा का वायरल वीडियो, ईशा गुप्ता ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, फैंस हुए इंप्रेस। विजय देवरकोड़ा का वायरल वीडियो, रश्मिका मंदाना की खूबसूरती की तारीफ करते दिखे विजय, खुशी से खिल उठा एक्ट्रेस का चेहरा। लाल सिंह चड्ढा के लीड रोल पर आमिर खान बोले बेटे जुनैद ने दिया था ऑडिशन, कहा वीडियो देख लगा मैं तो गया।
आरके का सलमान पर अनडायरेक्ट तंज, कमाल खान बोले वो बुढ़ाऊ मुझसे क्या मुकाबला करेगा जो किसी लुखे की धमकी से डरा। महारानी 2 का ट्रेलर रिलीज, राजनीतिक ड्रामा सीरीज में महारानी बनकर फिर लौटी हुमा कुरैशी। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।